नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और अब बढ़ते हैं मकराना की खबरों की ओर। जैल एसडीएम की बड़ी कार्रवाई, उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार मेघवाल के निर्देश पर पुलिस व परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से जैल पुलिस ने डीजे कारखानों पर कार्रवाई की, जिसमें चौधरी डीजे, प्रकाश डीजे व सोलंकी डीजे के कारखानों पर कार्रवाई की, जिनमें चार डीजे के चालान काटे व एक डीजे को पुलिस ने जाप्ता। एसडीएम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का डीजे सड़क पर बजे आप उसको फोटो व्हाट्सएप पे भेजें व फेसबुक पर चढ़ाएं। जायल में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने व विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए नागौर कलेक्टर द्वारा जारी डीजे पर प्रतिबंध निर्देशों का पालन करते हुए जायल एसडीएम ने डीजे पर कार्रवाई के निर्देश दिए और कार्रवाई हुई भी। या सड़कों पर चलता हुआ दिखाई दे, आप उनका वीडियो और उसका फोटो खींच कर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या मेरे यूट्यूब में व्हाट्सअप कर दीजिए, या मेरे व्हाट्सअप में व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर मेरे फेसबुक में भी आप डाल सकते हैं। मैं उनके खिलाफ़ उनके फ़ोटो को लेकर परिवहन विभाग और पुलिस विभाग को भेज कर मैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, ताकि आपकी जो जायल का क्षेत्र है वो शांत हो सके और शांत वातावरण में आपके बच्चे शांति से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि वर्तमान समय में उनकी पढ़ाई भी चल रही है, उनके बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, उसकी और डीजे की वजह से उनका बोर्ड एग्जाम खराब हो सकता है। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेरा साथ दे और मुझे अपील, और मुझे पूरा विश्वास है अपने जाल की जनता पे, वो मेरा इस मुहिम में मेरा पूरा साथ देगी और मुझे उस डीजे के फोटो और। बाड़मेर पुलिस हिरासत में मृत्यु प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। बाड़मेर में हमीरपुर के रहने वाले जितेंद्र पुत्र ताराचंद खटीक की पुलिस हिरासत में की गई मारपीट एवं यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने के साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग के संबंध में क्षत्रिय खटीक समाज कुचामन सिटी द्वारा माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन श्रीमान उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी के मार्फत दिया गया। ज्ञापन में देश प्रदेश में आए दिन दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकनवाली में वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह एवं पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुकनवाली ग्राम के भामाशाहों के साथ ही विकास अधिकारी रणवीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमती उपासना पारिक, प्रधानाचार्य श्रीमती दुर्गा वर्मा, ब्लॉक साक्षरता सम्यक चंपालाल कुमावत, समसा के संदर्भ व्यक्ति सुरेश सोनी, पूर्व सरपंच धरनाराम फौजी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रुघाराम सुंदरिया सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। विकास अधिकारी रणवीर सिंह ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है तथा वर्तमान में सरकारी विद्यालय गुणवत्ता पूर्वक संचालित हो रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों को भावी पीढ़ी को समर्पण भाव से शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमती उपासना पारिक ने इस विद्यालय में कार्यरत होने के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस विद्यालय के भामाशाहों का विद्यालय में सहयोग प्रशंसनीय रहा है। समारोह के दौरान छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक व्यय कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दी। विद्यालय परिवार की ओर से भामाशाहों व प्रतिभाशाली व पूर्व विद्यार्थियों को प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया गया। भामाशाहों के द्वारा विद्यालय परिसर में मंच के लिए 50x60 के टीन शेड बनवाने, 3 कंप्यूटर सेट देने, 60,000 रुपये नगद की घोषणा की गई। भामाशाहों के साथ ही स्टाफ व सदस्यों ने विद्यालय विकास के लिए 15,000 रुपये का सहयोग दिया। विद्यालय में शेष रही 500 फीट चारदीवारी को भी पूर्ण करने की घोषणा की गई।
सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह आनंदपुरा ने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अनूठी पहल करते हुए शुक्रवार को कुचामन स्थित मुकबादिर नेत्रहीन विद्यालयों एवं कुचामन स्टेडियम के पास कच्ची बस्ती के परिवारों को मिठाई विकृत व बिस्किट बांटकर फिजूल खर्ची को रोकते हुए जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। इस मौके पर रवि भार्गव, एबीवीपी जिला सह संयोजक महावीर सिंह चंपावत, भाजपा युवा महामंत्री अनिल काला, तक्षता लाइब्रेरी के निदेशक सुरेंद्र सिंह दीपुरा, महेंद्र सिंह छपरी, महेंद्र गौड, गजानंद शर्मा, विजेंद्र चौधरी, दीपाराम श्याम सिंह चौहान, आनंदपुरा सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। नागौर जिले अंतर्गत पादू कला कस्बे के मेड़ता सिटी रोड पर स्थित ज्योति बाल मंदिर उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के भामाशाह समाज सेवी रामस्वरूप कडेल के पुत्र मनीष सोनी लामपोलाई थे। मनीष सोनी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से हर मंजिल प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विद्यालय परिवार ने भामाशाह मनीष सोनी का स्वागत कर सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। चांदी मैडम शिविर का मैडम दिया जाएगा। अरे जो एट्थ में है उनको ऐसे कई मेडल एक साथ लेना है। मनीष जी की जेब खाली। शहर के नागरिकों के लिए आवारा सांड के आतंक से लोग भयभीत हैं। स्थानीय नगर पालिका और प्रशासन द्वारा इन आवारा गोवंश को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। आवारा गोवंश के झगड़े में कल ही एक मुकबादिर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि यह मुकबादिर व्यक्ति भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। सांड की मार से बुरी तरह से उसका पेट कट गया। यह दृश्य देख राहगीरों की आंखें फटी की फटी रह गई और दया भावना मानवता के नाते उसका उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल से पहुंचाया गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दुर्घटना की यह तस्वीरें जो आम जनता को झकझोर कर देती है। आम जनता ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है और शहर के भामाशाह सामाजिक संस्थाओं को इन आवारा सांडों को काबू में लाने के लिए प्रयास करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ राज्य स्तरीय जिमनास्टिक्स में आसपुरा की छात्राएं बनी राजस्थान विजेता और छात्रों ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। राजस्थान राजकीय परिषद जयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ में 22 से 24 फरवरी 2020 तक आयोजित सीनियर वर्ग राज्य स्तरीय जिमनास्टिक्स प्रतियोगिता में आसपुरा के सरकारी जिमनास्टिक्स ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं ने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान विजेता ट्रॉफी जीतकर कुचामन सिटी में राजस्थान का नाम रोशन किया तथा आसपुरा सेंटर के छात्र खिलाड़ियों ने राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। जिमनास्टिक्स कोच बाबूलाल कमेडिया वे नागौर जिमनास्टिक्स के जनक भागीरथ पुनिया को दोहरी खुशी प्रदान कर नागौर जिमनास्टिक्स को बुलंदियों पर पहुंचाया। जिमनास्टिक कोच बाबूलाल कमेडिया के अनुसार छात्र छात्राओं को लंबे समय से इस प्रतियोगिता के लिए कठिन परिश्रम कर बताया जा रहा था और खिलाड़ियों ने उम्मीद के अनुरूप राजस्थान विजेता बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। जिमनास्टिक्स कोच बाबूलाल कमेडिया के अनुसार प्रतियोगिता में जोधपुर व अलवर जैसी मजबूत टीमों से नजदीकी मुकाबले में छात्रा खिलाड़ियों ने टेबल और फ्लोर एक्सरसाइज में बढ़त बनाकर नागौर को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान कर खेल अधिकारी राजवीर सिंह का दिल भी जीत लिया। विधायक रामनिवास गावड़िया ने खानपुर गांव में सड़क दुर्घटना में सेना के जवान भगवान राम नायक के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों को 1,00,000 रुपए की सहायता दी। हमारी इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए मकराना न्यूज फ्लैश।